हाय हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी ड्रीम इलेवन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्रिकेट कंपटीशन का आगामी मुकाबला खेला जाएगा, पहला T20 मुकाबला है और ये मुकाबला बेसिकली होगा इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में, साउथ अफ्रीका के बैकयार्ड में। तो चलेंगे फटाफट पिक करेंगे ड्रीम टीम। पिक करने से पहले हम आपको अपनी साइट luckbet247.com करें बताएंगे, जो हमारी खुद की बेटिंग साइट है, जहाँ पर आपको बैटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम का समाधान मिलेगा, एक कम्प्लीट सोल्यूशन मिलेगा आपको बैटिंग के अतबार से। आप इसे दूसरी लैंग्वेज में ऑनलाइन गेम्स गाइड कह सकते हैं, इसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो खास बात है इस बेटिंग साइट की, किस साइट के थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी बेटिंग साइट इंडियन प्लेयर्स को एक्सेप्ट करती है, वही कौन सी ऐसी दूसरी साइट है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस। इसके अलावा अगर आप नए हैं और आपने ड्रीम इलेवन पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी फैंटेसी टीम आप क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट लीग की ड्रीम इलेवन के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए। तो चलेंगे फटाफट पिक करेंगे ड्रीम टीम। मुकाबला इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने आपको बताया खेला जाएगा इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका फर्स्ट T20। बस थोड़ा सा पिच के बारे में बता देता हूँ, साउथ अफ्रीका के बैकयार्ड में मुकाबला खेला जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि जो पिच है इसमें जो एवरेज टोटल है वो बेसिकली 160 से 170 का है, तो इसके अलावा ये स्पिनर्स को काफी असिस्ट करेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग बॉलिंग सेक्शन से। शुरुआत करेंगे बॉलिंग सेक्शन में, चार बॉलर्स पिक किए हैं। सबसे पहले जिस गेंदबाज को मैंने पिक किया, जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने रिसेंटली अभी आईपीएल में भी काफी इंप्रेस किया था और उनको बेसिकली मैंने पहले ही बताया था कि उनको साथ नहीं मिला था बाकी बॉलर्स का, अगर साथ मिलता तो शायद राजस्थान रॉयल्स की कहानी कुछ और होती आईपीएल 2020 के संस्करण की। इनके स्टैट्स पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। इंटरनेशनल T20 में इनके मैचेस अभी कम है, चार ही हैं, पांच विकेट्स लिए हैं, लेकिन आईपीएल में ये 35 मैच खेल चुके हैं और वहाँ पे 46 विकेट्स चटका चुके हैं। गजब की गेंदबाज है, रूम नहीं देते बल्लेबाजों को हाथ खोलने का और वेरिएशंस काफी ज्यादा है इनके पास, और जिस तरीके की एबिलिटी है इनके पास, आई थिंक अपने पोटेंशियल पर गेंदबाजी करते हैं और सबसे खास बात है कि अपोजिशन बल्लेबाजों के माइंड में एक फियर क्रिएट करते हैं। जोफ्रा आर्चर को आप डेफिनेटली पिक करें। फिर आदिल रशीद को पिक किया मैंने, इंग्लैंड की टीम के बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी आदिल रशीद, 49 T20 मैचेस खेल चुके हैं इंग्लैंड की तरफ से और 49 विकेट्स भी हैं इनके, डेफिनेटली इनको पिक करें, ये मस्ट रिकमेंडेड बॉलर है। इनके अलावा मैंने पिक किया केजी रबाडा और एमरिच नॉर्जे को, जिनको आप नोकिया बोलते हो। इन दोनों की जो रीसेंट परफॉर्मेंस आईपीएल में यही दर्शाती है कि इन्हें क्यों पिक करना चाहिए। रबाडा के 26 विकेट्स हैं, नोकिया के आईपीएल भी जो खत्म हुआ उसमें 22 विकेट्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी है। इवन इनका इंटरनेशनली अगर आप स्टैट्स देखेंगे केजी रबाडा का, तो 24 T20 में अब तक ये 30 विकेट चटका चुके हैं, वही 3 T20 में एमरिच नोकिया जो है वो 2 विकेट चटका चुके हैं। दोनों ही बड़े कमाल के गेंदबाज हैं, एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, समझते हैं एक दूसरे की गेंदबाजी को और हंच में विकेट्स लेते हैं, तो डेफिनेटली पिक करें एमरिच नोकिया और केजी रबाडा को। मूव करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, दो खिलाड़ी पिक किए, बेन स्टोक्स। अब बेन स्टोक्स को तो आपको पिक करना बड़ा लाजमी है, बिकॉज जबरदस्त खिलाड़ी है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो इनकी बड़ी ऊपर के लेवल पे है, बिकॉज इंटरनेशनल स्टैट्स ही इनके गवाह है। 26 T20 में 305 रन है, 42 आईपीएल मैचेस में 920 रन है, 26 T20 मैचेस जो इन्होंने खेले इंटरनेशनल में 14 विकेट्स हैं और आईपीएल में 28 विकेट्स हैं, तो दर्शाता है कि आपको इनको क्यों पिक करना चाहिए। इसके बाद विल मूव टू सैम करन जो है भी इंटरनेशनली तो 5 T20 खेला है इन्होंने, 6 विकेट्स चटकाए, लेकिन आईपीएल में 23 मैचेस खेल चुके हैं, 281 रन बना चुके हैं, 23 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। सैम करन जो है इनकी एबिलिटी बहुत शानदार है डिलीवर करने की, जब कैप्टन को रिक्वायरमेंट होती है इनको बॉल थमाई जाती है, विकेट्स निकाल कर देते हैं, ब्रेक थ्रू करते हैं और करंट सिचुएशंस में आगे रन बनाते हैं, तो डेफिनेटली सैम करन को आप पिक करें। बैटिंग सेक्शन में तीन बल्लेबाज पिक किए, पहले तो दो एक्सपीरियंस बल्लेबाजों को पिक किया, ऑन मॉर्गन और फाफ डु प्लेसी को। मॉर्गन के 94 T20 मैचेस हो चुके हैं इंटरनेशनली, अगर हम इनके स्टार्ट्स पर नजर डालें 2240 रन हो चुके हैं, आईएसएस स्कोर 91 है और ये जबरदस्त बल्लेबाज है, इनको पता है किस तरीके से मिडिल ऑर्डर इंग्लैंड को लेकर चलना है साथ में, और काफी दफा 10 में से 8 से 9 दफा ये उस कोर्स को करने में बड़े सक्सेसफुल रहते हैं, इसलिए ऑन मॉर्गन को पिक करें। उनके साथ मैंने पिक किया फाफ डु प्लेसी को, एक्सपीरियंस फाफ डु प्लेसी, साउथ अफ्रीका उनकी होम कंडीशन में मुकाबला, उनको कंडीशंस का बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, और डु प्लेसी की जो सबसे बड़ी खास बात है जो उनकी रीसेंट फॉर्म आई है, चेन्नई सुपर किंग्स से उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया आईपीएल 2020 के संस्करण में, हालांकि चेन्नई ओवरऑल अच्छा नहीं कर पाए लेकिन डु प्लेसी के बल्ले से रन निकले हैं, इवन उन्होंने काफी कमाल के कैचेस भी पकड़े हैं 2020 के संस्करण में। डु प्लेसी का मैं आपको बता देता हूं, 47 T20 मैचेस में 1407 रन है, 134.13 की स्ट्राइक रेट है, हाईएस्ट स्कोर 119 है, अगर आप इनको पिक नहीं करेंगे तो किन को पिक करेंगे। उसके अलावा जो तीसरा मैंने बल्लेबाज पिक किया उसका नाम है रेसी वैंडरडूसन, आप इसकी जगह मलान को पिक कर सकते हैं, आप कहेंगे यार वो नंबर वन T20 गेंदबाज है तुमने मलान को पिक नहीं किया, तो मलान को इस वजह से भी नहीं पिक किया कि थोड़ा सा आपको बैलेंस देखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इंग्लैंड डोमिनेटेड टीम पकड़ लेंगे तो फिर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को आप उतना चांस देंगे नहीं, इसलिए मैंने रेसी वैंडरडूसन को चांस दिया। यंग है, नए हैं, यंग इन द सेंस इतने भी यंग नहीं है, 15 T20 मैचेस खेल चुके हैं, 406 रन हैं इनके,
131.82 की स्ट्राइक रेट है, हाईएस्ट स्कोर 64 का, लेकिन इनके पास एबिलिटी है, इनको अपनी होम की कंडीशंस का अच्छे से पता है, इसलिए रासी वांडेडू से इनको पिक करिए ओवर डेविड मलान। अगर आप चाहते हैं डेविड मलान तो आप पिक कर सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ बैलेंस को फिट करने के लिए मैंने डेविड मलान को नहीं रखा, रासी वांडेडू से इनको मैंने पिक किया है। ठीक है, विकेट कीपिंग सेक्शन में दो खिलाड़ी पिक किए हैं, क्विंटन डिकॉक क्यूडीके और जॉर्ज बटलर। क्यूडीके होम कंडीशन जबरदस्त रिकॉर्ड इनके बताते हैं, 44 T20 मैचेस इंटरनेशनली, 66 IPL मैचेस है, 44 T20 मैचेस में 1226 रन है, 66 IPL मैच में 1959 रन है, तो आप समझ सकते हैं कि एज ए बल्लेबाज कितने कामयाब बल्लेबाज है और विकेट कीपर भी बहुत कमाल के हैं साउथ अफ्रीका के लिए। सेम गोज फॉर बटलर, बटलर के अगर मैं आपको रिकॉर्ड्स बता दूँ, 71 T20 मैचेस खेले इंटरनेशनली, 1455 रन है, स्ट्राइक रेट 140 प्लस का है, आई थिंक कमाल के बल्लेबाज, अपने दिल पे किसी भी पोजीशन की धज्जियां उड़ा सकते हैं अपनी बैटिंग से, इसके अलावा कमाल के विकेट कीपर है, सो डेफिनेटली पिक करें जॉर्ज बटलर और क्विंटन डिकॉक को। वक्त आ गया कैप्टन वाइस कैप्टन फिगर आउट करने का, मेरे कैप्टन होंगे क्विंटन डिकॉक क्यूडीके और मेरे वाइस कैप्टन होंगे बेन स्टोक्स, और ये थी मेरी ड्रीम टीम। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ड्रीम टीम पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जस्ट इन केस देर के अतबार से कोई भी चेंजेस होते हैं तो आप उस लिंक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको उन चेंजेस अवगत करा देगी। खिलाड़ियों की कंप्लीट एनालिसिस मिलेगी आपको हमारी स्पोर्ट्स वेबसाइट पर, जिसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं वर्बली लिंक बता देता हूँ, www.sportscrazy.com। सो अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।